गाइज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं। गाइज आप लोगों में से बहुत लोग मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आपके पास न्यू मूवी देखने के लिए उतना बजट नहीं होता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक ही मूवी का प्राइस कम से कम 250 से लेकर 300 रुपये तक होता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आज लेके आया हूँ top 3 best मूवीज ऐप फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। तो गाइज सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ मिलते रहते हैं। विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे है पिकासो। ये एप्लीकेशन सिंपली आपको प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं देखेगा, और इसके लिए एक मेरे पास ट्रिक्स है। सबसे पहले आपका गूगल साइट में जाना है और कंफर्म कीजिए कि आपका डाटा और वाईफाई में कनेक्ट होना चाहिए आपको मोबाइल। फिर टॉप साइट में आपको सर्च करना है पिकासो करके। पिकासो जब सर्च करेंगे नीचे में आपका पिकासो का बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, और जो टॉप वाला है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन कीजिएगा। थोड़ा ओपन करने के बाद में इधर आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। एक बॉलीवुड का ऑप्शन दिखेगा, एक हॉलीवुड का ऑप्शन दिखेगा, एक सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, एक लाइव टीवी का ऑप्शन दिखेगा। इसमें इन लोगों का मतलब क्या है मेरे को बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको पता ही होगा। और सिंपली आपको जब भी मूवी आपको सिनेमा हॉल में लगता है, जो न्यू मूवी आता है जो सिनेमा हॉल में लगता है, उसका 2 दिन बाद इसमें आ जाता है। और पहले तो इसमें डाउनलोड सिस्टम भी था, अच्छा था, लेकिन अभी डाउनलोड सिस्टम नहीं है। अभी आपको मूवी देखने के लिए डायरेक्टली आपको डाटा से और वाईफाई से देखना पड़ेगा, और डाउनलोड सिस्टम हटा दिया गया है। कुछ उन लोगों का भी प्राइवेट पॉलिसी होगा और इसलिए हटा दिया गया है। और आराम से इधर से फ्री में कोई भी मूवी और सीरीज और कोई भी मैचेस होता है, जैसे फुटबॉल, जैसे क्रिकेट, वो लोग आराम से देख सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है जियो सिनेमा। ये भी इंडिया का एप्लीकेशन है। इसको तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में सेम प्रोसेस है, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में थोड़ा पॉलिसी मांगेगा, पॉलिसी को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में इधर भी 4-5 ऑप्शन दिखेगा, जैसे एक होम और टाटा IPL है, मूवीज है, टीवी है, मोर है। मोर से जाके आप आपका खुद का अकाउंट भी बना सकते हैं, और मोर में आपका जो डाउनलोड किया है वो भी दिख जाएगा। और ऊपर में सर्च बार है, डायरेक्टली कोई भी मूवी हो, टीवी सीरीज हो, कोई भी हो, ऊपर से सर्च करते हैं कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन है। और इसको इधर से तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ्री में है पूरा, जो भी इधर से देख सकते हैं आराम से। हमारा लिस्ट का आखिरी नंबर नंबर 3 पे है फॉक्सी। फॉक्सी करके एक एप्लीकेशन है, इधर से भी आप फ्री में आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, जो भी नया अभी सिनेमा चल रहा है हॉल में उसको देख सकते हैं। सिंपली इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में सेम प्रोसेस है, फिर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करके थोड़ा पॉलिसी मांगेगा, उसको कंप्लीट करना है। सिंपली सिंपल पॉलिसी रहता है। फिर आपको इसके अंदर जाके स्क्रॉल डाउन करने के बाद में नीचे पॉपुलर और टॉप रेटेड देखेगा, और साइड में आपको सी मोर देखेगा। सी मोर में क्लिक करके आप इधर से भी देख सकते हैं जो भी मूवी चाहे, नहीं तो ऊपर में सर्च बार दिख रहा होगा। सर्च बार में आप सर्च कीजिए कोई भी मूवी है, उसके बाद में सर्च करने के बाद में उसको सर्च कीजिए और आराम से देखिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।